हनुमान जी के आराध्य हैं प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ सियासत से कैसे छूते रहते हैं? अलवर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर का विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। मंदिर जो है उसे ढहा दिया गया है, लेकिन अब सियासत जो है वो इस पर गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर शिव मंदिर ढहाने वाला बता रही है। 300 साल पुराना मंदिर ध्वस्त हो गया, अब वहां पर भजन कीर्तन किया जा रहा है, मंदिर की मांग की जा रही है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 3 मंदिर जमींदोज होते हैं, 1 मंदिर बताया जाता है कि वो 300 साल पुराना है। लेकिन अब मंदिर भले ही टूट गया हो, लेकिन उसके बाहर यहां पर पूजा पाठ शुरू हो गई है। नेताओं के आने जाने का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है, और ये 5 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई। अलवर में मंदिर टूटा, मूर्तियां टूटी, तो आस्था के नाम पर नया मोर्चा खुलते देर नहीं लगी। कीर्तन मंडली बाजे गाजे के साथ तैनात हो गए, हारमोनियम ने संगीत छेड़ा, भक्ति के सुर निकले, और देखते ही देखते विरोध का पाठ शुरू हो गया। भक्ति को सियासत की शक्ति बना ली जाए तो क्या असर होता है? अलवर में आपको इसका असर साफ दिख जाएगा। जरा देखिए भक्त की मंडली कितनी तेजी से अपने अभियान में जुट गई है। संघर्ष समिति के पोस्टर बैनर्स भी दीवारों पर टंग चुके हैं, और ये तय हो गया है कि भजन कीर्तन का ये सिलसिला जल्द नहीं थमने वाला है। यहाँ पर कल से ही बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया गया। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं आपको कि किस तरह से मंदिर के अंदर इस समय भारी जो लोग हैं वो पहुंचे हुए, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी यहां पर आए हुए हैं, और बाहर का क्या नजारा है वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से राम धुनी जो है वो यहाँ पर चल रही है, जो राम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का जो नाम है वो लिया जा रहा है। तो इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो अलवर में ऑपरेशन बुलडोजर खत्म होने के बाद आज तक संवाददाता मौके पर पहुंचे तो असर साफ नजर आ रहा था। घरों की टूटी दीवारें बता रही थीं कि बुलडोजर ने सख्ती से अपना काम किया है। 2 हिस्सा कल तक अतिक्रमण में कैद थे और वो आजाद होकर बाहर झांक रही थी। बुलडोजर ने आशियाना तो तोड़ा ही, कुछ उम्मीदें और हसरतें भी तोड़ गया। अलवर के राजगढ़ में जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें आई हैं वो बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सामने का जो घर है ये एक शादी का घर है, यहाँ पर शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, और जिस तरह से दूल्हा और दुल्हन उनको शादी की रस्में निभानी थी, घर टूटने के बाद यहाँ पर परिवार के ऊपर मानो आपदा टूट पड़ी है। लड़की है जो दुल्हन है वो हमारे साथ में है, मीनल नाम है इनका। मीनल, क्या कुछ आपने सपने सजोए हुए थे, और जो डेमोलिशन हुई उसके बाद किस तरह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुझे ये था कि मैं नए घर में जाऊंगी, वहाँ सब अच्छा होगा, लेकिन जब मैं खुद यहाँ पर आई तो सब कुछ टूटा फूटा मिला मुझे। कुछ भी मतलब एक होता है कि शादी का घर सजा सजाया होता है, यहाँ पर तो उल्टा टूटा फूटा मिला प्रशासन की वजह से। जिस दिन उन्होंने तोड़ने का बोला उसे एक दिन पहले हमें बताया गया, हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप अपने प्लान्स थोड़े डिले कर दो या फिर हमें व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि हमारे घर में शादी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। शिव जी का वो कैसे डरा था ये देखो। आज तक ने कल इसी इलाके में मंदिरों को तोड़े जाने की कुछ कड़वी तस्वीरें दिखाई थी। ये मंदिर नाले पर बना था जिसे तोड़ दिया गया। ये भजन कीर्तन जो आप देख रहे हैं वो उस मंदिर के बाहर है जिसका सिर्फ एक हिस्सा टूटा। गर्भगृह को यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा, यहाँ पूजा पाठ में भी कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन राजनीति को रुकावट की कहाँ परवाह होती है, अब यहाँ सुरक्षा का भारी इंतजाम है, आसमान से ड्रोन की निगरानी है और नेताओं का खाता है। लेकिन इन सब के बीच अलवर का आक्रोश साफ साफ दिख रहा है। अलवर से देव अंकुर आज तक।